नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका ज्ञान लर्नर्स पर। और आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखेंगे पहले, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस लगातार पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, ठीक है। बाकी वीडियो में सभी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आज हम क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और आपको लाना है ये 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। और सबसे पहले हम टेकिंग LHS, यस, tan थीटा अपॉन में आपका 1 माइनस cot थीटा अपॉन में आपका 1 माइनस tan थीटा। सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग, और आंसर आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में, हमको ये लाना है, क्लियर। तो देखिए tan को क्या लिख देंगे हम, sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो आपको बताए रखा है कि आपको सारे टर्म्स किस में खोलना है, साइन और कॉस में। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि 90% केस लगभग यही चलता है कि सारे टर्म्स हमको साइन और कॉस में लाने पड़ते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और प्लस कॉस थीटा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे आपका 1 माइनस tan थीटा की जगह वही साइन अपॉन कॉस थीटा। और वैसे देखिए हिंट्स भी दे रखा है एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन में कि आप क्या कीजिए कि ऑल टर्म्स को, सारे टर्म्स को किस में चेंज कीजिए। हिंट्स में कह रहा है कि साइन और कॉस में चेंज कीजिए। तो देखिए अगर हमको आता है तो हमको हिंट्स की वैसे कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, हिंट्स की हमको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको आता है तो हम ऐसे ही कर लेंगे बिना इनके। तो हमको पता है ऐसे करना है, तो साइन अपॉन कॉस, टेन को कॉट को लिख दिया, कॉस अपॉन साइन इधर भी वही कर दिया। देखिए ऊपर तो कोई अभी डिस्टर्बेंस आप नहीं करेंगे, यानी कि साइन थीटा अपॉन में क्या चलते रहेगा, कॉस थीटा अपॉन में, यहाँ एलसीएम ले लो आप, एलसीएम क्या है आपका साइन थीटा एलसीएम आ गया, इधर चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अभी तो ये एक में हुआ, ठीक है, प्लस अभी इधर होना बाकी है, यानी कि कॉस थीटा अपॉन में क्या कीजिएगा, साइन थीटा अपॉन में यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ गया आपका दोनों का, कॉस थीटा आ गया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये चार चार जब आपको पता है कि इस तरह के अगर कंडीशन हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पलटी मरवा देते हैं इन दोनों को, ये दो तो ऐसे ही रहेगा आपका, ये दो आपस में क्या जाएंगे, पलट जाएंगे, मतलब साइन थीटा ऊपर और ये कहाँ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अभी प्लस इधर भी और है, ध्यान रखना, कई बार बच्चे इनका एलसीएम लेना शुरू कर देते जो कि बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है, आप फंसोगे उसमें अगर आप करोगे तो। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इन दोनों को क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी कि कॉस थीटा ऊपर और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में ले लें जैसे मैंने इसको लिया, चलिए साइन इंटू साइन कितना हो गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ध्यान देते रहना यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि कॉस इंटू कॉस तो कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये और ये चीज दोनों आपको दिख रहा होगा लगभग सेम चीज है, लेकिन थोड़ा फर्क किसका पड़ रखा है, देखिए साइन थीटा यहाँ प्लस का है, कॉस किसका है, माइनस का, यहां उल्टा है, देखो कॉस प्लस का हो गया जबकि यहां माइनस का था, साइन यहां माइनस का हो गया जबकि यहां प्लस का, तो कहने का मतलब थोड़ा माइनस का फर्क है, लगभग बाकी चीज वही है, देखिए दोनों चीज वही है बस माइनस का फर्क है। तो आप ऐसा कीजिए माइनस इसमें क्या ले लो, कॉमन ले लो, और जो माइनस आप कॉमन लोगे उसको यहां ना लगाते हुए सीधा यहां कर दो उसको, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, सीधा यहां चेंज कर दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनमें क्या कॉमन लेना, माइनस कॉमन लेना, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो वो माइनस मैंने सीधा यहां लगा दिया, माइनस कॉमन लेने पे क्या हुआ, देखिए माइनस कॉमन लेने पे साइन थीटा किसका हो जाएगा, प्लस का, पहले इसको लिख लो साइन थीटा, ये वाला ब्रैकेट में साइन थीटा किसका हो जाएगा, प्लस का, और कॉस किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। माइनस के कारण साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, अगर हम माइनस के इंटू करें तो फिर भी चेंज होंगे, और अगर माइनस कॉमन लिया तो फिर भी चेंज होंगे। तो मैंने इनमें माइनस कॉमन लिया तो उससे साइन थीटा प्लस का हो गया और कॉस थीटा माइनस का हो गया। अब देखिए ये चीज जो है लगभग सेम बन चुकी है, तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे, देखिए तो एलसीएम लेते वक्त ये दोनों एक एक ही बार उतरेगा, मतलब अब डबल डबल नहीं उतारना पड़ेगा, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमको दोनों एलसीएम में लिखने पड़ती, अब हम केवल कॉस साइन तो लिखेंगे ही, कॉस थीटा और साइन थीटा तो इसको तो लिखना है, लेकिन इन दोनों की जगह हम एक को लिख देंगे क्योंकि ये चीज क्या है, सेम है, तो जो चीज एक जैसी होती है एलसीएम में उसको नहीं उतारते हम, ठीक है, वो शॉर्ट तरीका होता है, तो इसकी जब ये सेम तरीका तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं होगी क्योंकि ये दोनों में है,
इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई का कोई मतलब ही नहीं है। अगर करोगे तो ये कट जाएगा, वैसे भी अगर ये क्रॉस में जाएगा तो कटना है ही उसने, इसलिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, केवल किसकी करेंगे, साइन की। तो स्क्वायर तो पहले से ही मौजूद है, तो दो और एक और पावर होगी तो कितनी हो गई, तीन पावर। तो ये हो गया आपका साइन क्यूब थीटा, और इधर कॉस किंटू होगी तो कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। देखिए दो पावर थी एक और पावर गई तो कितनी पावर हो गई, तीन पावर हो गई आपकी। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहां पे देखिए एक फॉर्मूला यूज करना, आपको मैं बताता हूं आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। यहां पे आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा ये वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है, बहुत फेमस आइडेंटिटी है, मतलब काफी आपने अगर देखा होगा, तो नहीं देखा तो आप यहां पर भी देख लीजिए, ए माइनस बी और फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो इस तरह का इसका अपीयरेंस कुछ इसी तरह का, देखिए ए क्यूब ए की जगह कौन है साइन थीटा, बी की जगह कौन है कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला बता रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसी की तरह लिख देंगे, कैसे देखिए ए माइनस बी, तो ए ए की जगह कौन है आपका साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा आ गया आपका ए, और माइनस बी की जगह कौन चल रहा है आपका कॉस थीटा, बी की जगह कौन चल रहा है कॉस थीटा। तो ए माइनस बी फिर किसका स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस बी मतलब कॉस का स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपने कर लिया, नीचे जो चल रहा है उसको चलाते रहो, क्या नीचे कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये एक जैसा, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो तो मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज वन होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इतना ना वन प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। नीचे क्या बचा, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब आप क्या कीजिएगा, अलग अलग डिवाइड, वन के अपॉन में इसको अलग कर दो, यानी कि वन अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस इसके अपॉन में अलग कर दो, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में क्या कर दो, कॉस थीटा और साइन थीटा अलग कर दो, राइट। वन के अपॉन में इसको अलग, इसके अपॉन में इसके बीच में प्लस है तो प्लस का यूज कर लेंगे। यहां साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, कितना बचा इसकी जगह वन बचा, कुछ नहीं मतलब वन। वन अपॉन कॉस क्या होता है, देखो सेक थीटा होता है, वन अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, और प्लस क्या बचा हमने कहा वन, इसको आगे पीछे लिख दो, यानी कि वन को आगे कर दो, वन प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो आपका ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यही आपको इसमें प्रूफ करना था थर्ड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, चैप्टर नंबर एट, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 का, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हमने कर चुके हैं और इस तरह से हमने इसको पूरा हैंडल किया, ठीक है। चलिए अब आप आते हैं फोर्थ पार्ट पे, इसी के आप फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है वन प्लस सेके अपॉन सेके इक्वल टू लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। देखिए एंगल अब ए हो गया, यहाँ पे एंगल क्या था थीटा चल रहा था, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होगा, अगर थीटा चल रहा तो थीटा चलाते रहो, ए है तो ए चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हालांकि इसमें भी हिंट्स दे रखी इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक में कि भाई लेफ्ट हैंड साइड को अलग करो और राइट हैंड को अलग करो, लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करो सेपरेटली, क्या करो सिंप्लीफाई करो, मतलब इनको अलग अलग करो। ट्रिग्नोमेट्री की यही खासियत है, इसीलिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती है ट्रिग्नोमेट्री, कि आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले आओ या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ले आओ या लेफ्ट हैंड भी लाओ और राइट हैंड भी लाओ, दोनों की वैल्यू अगर एक जैसा आ जाती है तो फिर भी क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखते हैं राइट हैंड आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो वन प्लस सेके अपॉन में क्या है सेके, क्लियर। तो वन प्लस सेके अपॉन में क्या है सेक ए है। तो इसको देखते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, अलग अलग मतलब सेक को वन के अपॉन में भी और सेक को सेक के अपॉन में भी डाल देते हैं, ऐसे सबसे बढ़िया तरीका ये है, क्लियर। नहीं तो कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, सेक को लिखते हैं वन अपॉन कॉस, सेक को वन अपॉन कॉस, क्यों लिखते हैं, क्योंकि जनरली हमने बता रखा कि हमको किस टर्म में खोलना चाहिए साइन और कॉस के टर्म में खोलना चाहिए। तो फिलहाल ये सबसे बढ़िया तरीका है, वन अपॉन सेक कितना हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा, ठीक है। और जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा आपके वन, तो आ गया वन। आप इसको आगे पीछे कीजिएगा, यानी कि वन प्लस कॉस है। देखो आपको राइट हैंड साइड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है आपको, इसीलिए एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि अब राइट हैंड को क्या करो अलग से सॉल्व करो, और देखते हैं उसका आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखते हैं राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करते हैं हम आरजेएस को। राइट राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन है वन माइनस
कॉस है। देखिए यहां से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का उधर गया माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ए को क्या लिखेंगे हम, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे चल रहा है ए चल रहा है, अपॉन में वन माइनस कॉस ए। आप इस वन को क्या लिखिएगा, वन का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ए मतलब वन, वन का स्क्वायर माइनस बी, बी मतलब कॉस ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, क्लियर। अपॉन में क्या चल रहा है, वन माइनस कॉस ए। अब देखिए वन माइनस कॉस ए से वन माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बचा आपका सिंपली वन प्लस कॉस ए। अब देखो जरा ध्यान से देखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड कितना है आपका, वन प्लस कॉस ए, और राइट हैंड भी कितना आ गया, वन प्लस कॉस ए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। इसको चाहे इक्वेशन वन मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो, टू मान लो। तो हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी कैन सी दैट, हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि दोनों की एक ही वैल्यू है तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो एक तरीका ये भी आप फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी में। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर मैं लेफ्ट हैंड से डायरेक्ट राइट हैंड ही लाना चाहता हूं, तो आप ऐसे भी कीजिएगा। देखिए इसके बाद वाला पोर्शन बता रहा हूं कि आप डायरेक्ट इस आंसर को ऐसे भी ला सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान देखिए जरा कि हमने यहां तक तो कर ही चुके थे हम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हम कहां तक कर चुके थे, वन प्लस कॉस ए तक कर चुके थे। कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर मैं इसकी जगह डायरेक्ट ये ला पाऊं, राइट हैंड साइड नहीं करना, मुझे इसी से ये चाहिए, तो आ सकता है। देखिए क्या कीजिए, वन प्लस कॉस ए आपके पास है, एक काम कीजिए यहां पे इनटू कीजिए वन माइनस कॉस ए से नोमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, इसी से वन माइनस कॉस ए से, ठीक है। तो वन माइनस कॉस ए से नोमरेटर में भी इनटू और कहां भी डिनोमिनेटर में भी इनटू कीजिए। अब देखिए ऊपर क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है, वन माइनस कॉस ए। मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, वैसे हो चुका है क्वेश्चन, आप घबराइए मत कि आप सर क्या बताने लग गए, हो चुका है क्वेश्चन, डन नहीं आता, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा इस पोर्शन को नहीं करना चाह रहा, यानी कि राइट हैंड को नहीं करना चाह रहा, केवल लेफ्ट हैंड से ही राइट हैंड को आना चाह रहा, तो इसके बाद मैंने कहा ऐसा कीजिएगा आपको डायरेक्ट राइट हैंड साइड मिल जाएगा, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप कन्फ्यूज ना हो कहीं भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम देखें तो फिलहाल ये हमने कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन हुआ, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन क्या आ गया, वन माइनस कॉस ए। अब देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर ए, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दीजिए आप, साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए, अपॉन में क्या आ रहा, वन माइनस कॉस ए। तो देखिए ये आपका डायरेक्ट क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, ये देखिए यही जाना था आपको, तो आ चुका आपका राइट हैंड साइड, यही आ चुका, ठीक है। साइन स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस है, देखिए साइन स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि आप कंटिन्यूस करते रहे, मतलब इसको आप रहन दीजिए सीधा वन प्लस कॉस ए था ये, इसके बाद आप ऐसे कीजिएगा और आप राइट हैंड साइड डायरेक्ट कीजिएगा। तो मैंने ये तरीका दो तरीके से आपको बताया, और अगर आपको अगर कहीं पे दिक्कत हो, कहीं पे समझ में ना आया हो, तो आप इस पूरे वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और बिल्कुल ढंग से समझना है तो आप जरूर जो है कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, तभी आपको समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और हम अपने आप उसको टफ बनाए थे, जबकि इतना टफ वो है नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो भी हमारी पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।